कावेरी गोदावरी महानदी सरयू पूर्णा, मैं वेदों में उल्लेखित नदियों का नाम बोल रहा हूँ। वह वेद काल से हमारी मातृभूमि जहाँ है हमारा देवतात्मा हिमालय संध्यवीय विंध्य सह्याद्री, वह वेद काल से हमारी मातृभूमि जहाँ है हमारा काशी कांची अवंती धारा पुरीवती, वह वेद काल से हमारी मातृभूमि और हमारी मातृभूमि की बाउंड्री महर्षि वेदव्यास ने डिफाइन की। विष्णु पुराण का थर्ड चैप्टर भारत की ज्योग्राफी का वर्णन है। आप भी पढ़ लीजिए, विष्णु पुराण बहुत छोटा है। और यह तृतीय अध्याय में महर्षि वेदव्यास ने भारत की बाउंड्री डिफाइन करते समय प्रथम श्लोक में कहा, उत्तरम यत् समुद्रस्य, जो समुद्र के उत्तर में है, हिमाद्रश्चैव दक्षिणम, जो हिमालय के दक्षिण में है वह हमारी मातृभूमि। इसी भूमि को ही मातृभूमि क्यों माना? मक्का में भी ओम के तीन अपर से जो शिवलिंग था वह मक्कारेश्वर है, तब भी हमने मक्का को मातृभूमि नहीं माना। इसी भूमि को क्यों माना? क्योंकि सृष्टि बनाते समय हमारे पुरखों को अनेक युगों तक, महायुगों तक, मनवंतरों तक, कल्पों तक धनधान्य यश आरोग्य देने के लिए भगवान ने कॉम्प्यूटराइज व्यवस्था की थी। धनधान्य यश आरोग्य कब बढ़ेगा? जब हमारे पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का शीघ्र नाश होता रहे, बिना प्रयास होता रहे, बिना जाने होता रहे। और यह देश में जन्म लेने वालों को धनधान्य यश आरोग्य देने के लिए, पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का नाश करने के लिए सृष्टि निर्माण के समय भगवान ने जिस हमारी मातृभूमि का सर्जन किया, वह मातृभूमि हमारी विशिष्ट है। वह स्थान का नाम तीर्थ है। तीर्थ न ऐसे नारियल से बनता है, न डॉक्टर तोगड़िया से बनता है। मंदिर बन सकता है, तीर्थ नहीं बन सकता है। तीर्थ तो वही यह भूमि पर स्थान है जो निश्चित अक्षांश रेखांश पर है। वह स्थान पर निश्चित ग्रह नक्षत्र राशि के समय पर एनर्जी का पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वह स्पॉट पर होता है। तब वह स्पॉट पर जाकर कोई रात्रि निवास करता है, काशी में, गया में, समुद्र का तालाब में, नदी में स्नान करता है, रामेश्वर में भगवान की पूजा करता है, या सिर्फ एक रुपया का दान करता है बिना जाने समझे। आपके पूर्व जन्म के पर्टिकुलर सभी नहीं, अलग अलग तीर्थों में अलग अलग इंपैक्ट है, आपके पर्टिकुलर सभी पूर्व जन्मों के बुरे कर्म समाप्त हो जाते हैं, और बुरे कर्म सभी जन्मों के समाप्त हो जाते हैं तो धनधान्य यश आरोग्य का उद्भव होता है। इसलिए हमारे पुरखों ने तीर्थों की आराधना की, हमने तीर्थ यात्रा की बिना निमंत्रण की, बिना पैसे की, बिना व्यवस्था की। इसलिए भारत ही तीर्थ है और तीर्थ ही भारत है, और तीर्थ को छोड़कर भारत नहीं है, और तीर्थ को छोड़कर सनातन वैदिक हिंदू धर्म नहीं। और ये देश में करोड़ों तीर्थयात्री बिना व्यवस्था जाते हैं। श्याम नारायण जी ने अपने माँ के शब्द को याद रखकर यह तीर्थ यात्री भवन बनाया, इसलिए संपूर्ण समाज की ओर से साधुवाद है, यहाँ तो बनेगा। पर यहाँ से प्रेरणा लेकर भारत के कोने कोने में हिंदू तीर्थ यात्री भवन बनाते हैं, क्योंकि जो श्रद्धा से धर्म के प्रति भगवान की भक्ति के लिए जाता है, उनकी सेवा करना, शिव भक्त की सेवा करना है, वह भी शिव की सेवा है। भगवान के भक्त की सेवा करना यह भगवान की सेवा है। यह काम किया है, यहाँ सहयोग मिला है, आगे मिलता रहेगा। हम सब सनातन वैदिक हिंदू धर्म का आचरण करके रक्षा करें। पर आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपके ऐसे भाषण तो होते नहीं, आपके भाषण तो मारपीट के होते हैं। मेरे भाइयों, धर्म ने कहा कि धर्म की रक्षा करो तो धर्म बचेगा, तो आप कर्म बदलकर धन धान्य यश आरोग्य प्राप्त करोगे। संस्कृत में कहा, धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म का आचरण और रक्षा में अंतर है। मंदिर जाना यह धर्म का आचरण।